राजधानी लखनऊ के लोक भवन में सोमवार को अपर मुख्य गृह सचिव दीपक कुमार, डीजीपी प्रशांत कुमार और सूचना विभाग के निदेशक शिशिर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौजूद रहे। आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि 75 जनपदों में 81 मतगणना स्थल पर मतों की गणना होगी, जिसके चलते फोर्स की तैनाती इसी हिसाब से की गई है। फोर्स की तैनाती में मध्यम घेरा पीएससी द्वारा और आउटर घेरा स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षित होगा। इसके तहत ही पास धारक ही मतगणना स्थल पर प्रवेश कर पाएंगे और महिलाओं की चेकिंग महिला कर्मियों द्वारा ही की जाएगी। आपको बता दें कि सातों चरणों के चुनाव निष्पक्ष, हिंसा मुक्त वातावरण के रूप में कराए गए हैं और यह निष्पक्षता का प्रमाण है कि पहली बार बिना किसी हिंसक घटना के चुनाव कराए गए। जानकारी के अनुसार मतगणना स्थल की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम और डीजीपी मुख्यालय द्वारा निगरानी की जाएगी। लखनऊ से रेहान वारसी की रिपोर्ट। प्रदेश में संपन्न हुए 80 लोकसभा क्षेत्रों के सामान्य और 4 विधानसभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन की मतगणना कल दिनांक 4/6 को समय 8 बजे से प्रारंभ होगी। उप मतगणना के दृष्टिगत कुल 81 स्थानों पर मतगणना का कार्य संपादित होगा। कल सीईओ यूपी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग किया था और आज माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस को ब्रीफ किया है। सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रामक एवं गलत अफवाहें भी चल रही हैं, माननीय आयोग ने उनका निराकरण किया है अपने स्तर से। मैं उनमें से कुछ जो माननीय आयोग के निर्देश हैं उनके कुछ संगत अंश आपसे शेयर करूंगा। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया बंधुओं को ही कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। मीडिया बंधुओं को मीडिया सेंटर पर मोबाइल प्रयोग की भी अनुमति रहेगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रत्येक मतगणना हॉल में एक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रत्याशी के नाम व राउंड वार परिणाम लिखा जाएगा ताकि सभी मतगणना एजेंट उसे देख सकें। मीडिया कर्मी और आमजन द्वारा results.eci.gov.in पर जाकर मतगणना के रुझान, ट्रेंड्स और मतगणना रिजल्ट्स जान सकते हैं। आज ईसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि आरओ, एआरओ, प्रत्याशियों, मतगणना कर्मियों सभी के लिए एक ही हैंडबुक लागू है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश जारी किए हैं सभी पे वही लागू होते हैं, इस पे किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं है। ना ऐसे भ्रामक खबरों पे ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे जो भ्रामक खबर फैला रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जिलों में जो व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद है। सभी जगह धारा 144 लागू है। सभी से अपील है कि केवल पासधारक ही मतगणना स्थल पर जाएं। अनावश्यक भीड़ लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये शासन इसमें बहुत स्पष्ट है। जिलों को यह निर्देश बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है। किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देगा। साथियों, अभी जैसा कि गृह विभाग के एसीएस महोदय ने आपको सभी विस्तृत बातों से अवगत कराया, कुल 75 जनपदों में 81 जनपदों जगहों पे मतगणना की व्यवस्था होनी है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहाँ दो दो काउंटिंग सेंटर हैं, उसको रखते हुए उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है।
जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा, मध्यम घेरा पीएसी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा।